नमस्ते, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं डेली कोर्ट अपडेट्स विद बार एंड बेंच। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से शुरुआत करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पद की शपथ ली। भारत के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि अदालत के समक्ष बहस और मामलों का संचालन करते वक्त वकीलों के लिए तनाव मुक्त माहौल रहे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली नगर निगम की आगामी चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है तो कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाएगा। अगली अपडेट मुंबई से है कि मुंबई की एक अदालत ने आज राज्यसभा सांसद और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने यह फैसला सुनाया। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से यह आ रही है कि 153 किलोग्राम वजन और सहरूंगता वाले व्यक्ति को जमानत देते समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह कहा कि मोटापा केवल एक लक्षण नहीं है बल्कि स्वयं एक बीमारी है जो और कई बीमारियों का जड़ बन जाती है। अगली बड़ी खबर यह है कि 12 नवंबर को होने वाली दूसरी राष्ट्रीय डिजिटल लोक अदालत 1 करोड़ से अधिक मामले संभालने के लिए तैयार है। अगस्त में पहले आयोजित डिजिटल लोक अदालत ने राज्यों से 833 करोड़ का निपटान करने में मदद की। उम्मीद है कि आगामी कार्यक्रम में यह राशि भी पार की जाएगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को बरी करने के लिए लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। याचिका में विशेष सीबीआई अदालत के 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ नहीं था। आखिरी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने हाल ही में सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण जन सूचना अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे आरटीआई अधिनियम धारा 6 के तहत सभी नागरिकों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने का अधिकार है और पीआईओ द्वारा उसे स्वीकार न किया जाना इस प्रावधान का उल्लंघन है। इन अपडेट्स को विस्तृत में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारे चैनल बार एंड बेंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन।